अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बात दिल्ली एमसीडी की है, चुनाव करीब है। तमाम पार्टी अपने अपने क्षेत्र में जोर शोर से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जनता की सेवा में भी जुटे हैं। आप देख रहे हैं नेता की जरा सुनिए, और हमारे खास कार्यक्रम में आज मेहमान है अमरनाथ यादव, आम आदमी पार्टी नेता अमरनाथ यादव। हम जानेंगे कि आखिर उनका राजनीतिक सफर क्या है और जानेंगे जनता के बीच चुनावी चर्चा पर क्या है उनकी खास नजर। अमरनाथ जी, सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल को मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले आए। नौ वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा उनके परिवार में खुशियाँ दें और सभी लोग खुशी से जीवन व्यतीत करें। क्षेत्र की जनता को नमन। अमरनाथ जी, आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरुआत हुई? राजनीतिक सफर 2013 में 2011 में जब अन्ना आंदोलन चला और उसके बाद जो है क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में, व्यवस्था परिवर्तन में मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं। और ये मेरे अंदर जो संकल्प आया, उसी से मैंने अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया। 2015 में पार्टी ने मेरे क्रियाकलाप को देखते हुए जिलाध्यक्ष बनाया चांदनी चौक का, और इसके बाद मैं निरंतर पार्टी के साथ जुड़ करके पूरे आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ एज ए संगठन मंत्री। पूर्वांचल एक प्रकोष्ठ है आम आदमी पार्टी का, उसका प्रदेश का मैं संगठन मंत्री। जी बिल्कुल, ये बताइए कि आपने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन से आप जुड़े थे, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जुड़े थे, क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी के बाद इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में कितना आगे बढ़ पाए? ऐसा है कि देखिए, जो 70 सालों का भ्रष्टाचार व्याप्त था और उसके अंदर आज देखिए, आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी योजनाएं हो, वो हमारे लोगों के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ ये पूरी मुहिम चल रही है व्यवस्था परिवर्तन की। आज कई राज्यों में चुनाव की चर्चा चल रही है। पूरे विश्व पटल पर देखा जाए तो हमारी एक शिक्षा क्रांति जो हमारे देश में आई, वो हमारी पार्टी की देन है। और शिक्षा के साथ साथ हॉस्पिटल ले लें, बिजली ले लें, पानी ले लें। अमरनाथ जी, दिल्ली में एमसीडी चुनाव करीब है, और क्या लगता है आपको कि एमसीडी चुनाव में किस कदर आप जनता का भरोसा जीत पाएंगे? ऐसा है सर कि हम अपने कामों से जनता का भरोसा जीत चुके हैं और इसमें कोई संशय नहीं है कि जो एमसीडी चुनाव आप नज़दीक देख रहे हैं, उसके अंदर हमारी पार्टी 272 सीटों पर मजबूती के साथ खड़ी है और जीत करके एक नया इतिहास रखेगी। जैसे विधानसभाओं में नया इतिहास रचा गया, उसी तरह से एमसीडी में इस बार पूरा सफाया कर देगी भ्रष्टाचार का। जी, पार्टी टिकट को लेकर के भी कुछ अनबन सामने आ रही है, क्या है ये? ऐसा है कि सर देखिए, तो हर पार्टी में है, लेकिन जो सॉलिड कैंडिडेट हैं, जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं, उन पर पार्टी की पूरी नज़र है और जो पार्टी की कसौटियों पर खड़े उतरेगा, उनको जो है निराशा हाथ नहीं लगेगी, पार्टी उनको टिकट देगी। जनता से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि इस बार जो है एक गोल्डन चांस है व्यवस्था परिवर्तन का। जैसे आप सब ने विधानसभा में विश्वास दिखाया अरविंद केजरीवाल जी पर, एक मौका हमें एमसीडी में दें और हम जो है व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर
जैसा कि आपने अमरनाथ यादव को सुना, बेबाक और निर्भीक आवाज में उन्होंने निष्पक्षता के साथ अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हम बना चुके हैं और एमसीडी में जो कमियां हैं, अगर हमारी सरकार वहां आती है तो एक अलग परिवर्तन, एक अलग आगाज होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजनीति में किसकी होती है सह और किसकी होती है मान, कौन करेगा भीतरीघात। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हम भी आगे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।